गंगा। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। तो टॉपिक है ग्रेविटेशन। ये पार्ट वन वीडियो है, इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑन ग्रेविटेशन। सो आगे और भी क्वेश्चंस है, वो पार्ट टू में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए ए शाज यंग आई एस इज प्रोवाइडिंग फ्री लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10 एसएससी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसलिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एवरी मंथ, तो ये फ्री क्लासेस हो गए। मींस फर्स्ट वीक आप फ्री अटेंड कर सकते हैं और उसका पूरा आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर यू विश टू जॉइन एंड कंटिन्यू और नॉट। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दिस इज अ कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारे ऐप पे भी कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के डिटेल्स दे सकते हैं, तो आपको इसके लिए जो भी लिंक्स है प्रोवाइड की जाएगी। तो दैट इज दैट। प्लस कमिंग टू ग्रेविटेशन, Let's have a look at the first question. The first question is, a force that acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle is called dash. So, aapko iska answer dena hai. The four options are A, centripetal force, B, centrifugal force, C, rotational force, एंड डी रेवोल्यूशनरी फोर्स। और आपको इसके लिए मिलेंगे 10 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो सेंटर सर्कल में जो फोर्स एक्ट करता है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे आप कहीं भी अगर एक सर्कल में जा रहे हो, ये एक जॉय राइड है, ये यहाँ पे भी एक सर्कल में कुछ मूव कर रहा है सेंटर के तरफ, उसे खींचा जाएगा। तो दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स भी है, तो एमसीक्यू के लिए आपको ये याद रखना है। सर्कल में फोर्स है तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज, द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश। ये तो बहुत ईजी है, आई होप यू गेट द आंसर। द फोर ऑप्शन आर ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन एंड डी आइंस्टाइन। एंड योर 10 seconds स्टार्ट नाउ। एंड द राइट आंसर इज सी न्यूटन। ये बहुत इजी था, न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी when an apple fell from a tree and he started thinking ki ye apple upar se niche hi kyun gira, so that is the discovery of gravitation. Third question, the three laws describing planetary motion have been given by dash. So yahan pe again there are scientist name aapko batana hai, three laws describing planetary motion kisne diya? A Newton, B Kepler, C Galileo and D Einstein. And your 10 seconds start now. And here the correct answer is B, Kepler. Kepler gave the three laws describing planetary motion. Kepler was before Newton. It was Kepler's laws which helped Newton understand and even derive the law of gravitation, universal law of gravitation. So that is Kepler's laws. Fourth question, the orbit of a planet revolving around a star is dash. So what is the shape of the orbit of a planet around a star? A circular, B linear, C towards the focal point and D elliptical. And your 10 seconds start now. And the correct answer here is D elliptical. So the orbit jo hota hai, orbit is not circular. Circle nahi hota, it's an ellipse. The orbit of a planet is an ellipse. This is Kepler's first law of planetary motion. So the correct answer is D elliptical. ये देखिए, दिस इज एन एलिप्स। सो दिस इज द प्लैनेट, ए रिप्रेजेंट्स अ प्लैनेट, एस इज द सन, सन इज एट वन ऑफ द फोकाई
एलिप्स हैज टू फोका, एक फोका यहाँ होता है एक यहाँ पे होता है. सो सन इज एट वन ऑफ द फोका, या तो यहाँ या तो यहाँ सन होगा. एंड द प्लैनेट इज मूविंग इन दिस ऑर्बिट, एंड दिस ऑर्बिट शेप इज एन एलिप्स. ये सर्कुलर नहीं है, ये एग शेप्ड है, अंडे के शेप का है. दिस इज कॉल्ड एन एलिप्स. सो दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ. सो प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट, द शेप ऑफ दैट ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, इट्स एलिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल डैश इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. एंड द फोर ऑप्शंस हियर आर ए एरियाज, बी वॉल्यूम्स, सी डिस्टेंसेस डिस्टेंस, एंड डी इज टाइम. एंड 10 सेकेंड स्टार्ट नाउ. And you should know this is Kepler's second law. The correct answer is equal areas. So the line joining the planet and the sun. ये कैसे होता है हम explain करेंगे. देखिए, this is the planet, this is the sun. The line joining the planet and the sun sweeps, मतलब एक sweep लगाता है, पोचा जैसे हम करते हैं ना, एक पूरा turn लेता है. तो जैसे windscreen होता है हमारे cars के ऊपर भी, जो windscreen होता है उसके ऊपर जो wipers होते हैं, वाइपर्स स्वीप करते हैं ना, जब बारिश में हम वाइपर्स यूज करते हैं. तो एक स्वीप करना मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचना, मतलब प्लैनेट ए पॉइंट ए से यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच गया. तो ये इतना एरिया कवर होता है ना उसके, इसमें ये लाइन इतना एरिया कवर करती है, तो ये एरिया वन है. तो अगर ए से बी पहुंचने में जितना टाइम लगा, उस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में प्लैनेट अगर पॉइंट सी पे तो डी पे पहुंचेगा, या पॉइंट ई पे तो एफ पे पहुंचेगा. अगर वो सेम टाइम लग रहा है तो ये एरिया इक्वल होगी, मतलब एरिया वन इज इक्वल टू एरिया टू इज इक्वल टू एरिया थ्री. ये तीनों एरियाज इक्वल होगी अगर ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है. मतलब समझो यहाँ तो ए से बी पहुंचने को, अगर हमको जैसे पता है प्लैनेट अर्थ को 365 डेज लगते हैं पूरा एक सर्कल कवर करने के लिए, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन को एक साल लगता है. तो अगर ये एक महीना है, एक महीने में ए से बी पहुंचा, मतलब सन के पास है तो प्लैनेट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है, और सन से दूर होता है तो कम डिस्टेंस कवर होता है. तो एक महीने में सी से डी पहुंचेगा, और यहाँ पे एक महीने में और कम डिस्टेंस कवर होगा, जितना सन से दूर होगा उतना कम डिस्टेंस कवर होगा. तो ऐसे होता है, स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज लाइक दिस. तो ये एक फैक्ट है, केपलर सेकेंड लॉ है. तो ये एरियाज इक्वल होती है ना. तो ये केपलर सेकेंड लॉ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन is directly proportional to the dash of the mean distance of the planet from the sun. So यहाँ पे options आपके हैं a square, b square root, c cube, d cube root. And your 10 seconds start now. करेक्ट आंसर हियर इज सी क्यूब. तो प्लैनेट का पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड, कैपिटल टी से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका टी को स्क्वायर करेंगे, तो जैसा टाइम पीरियड बढ़ते जाएगा, कब बढ़ते जाएगा, जैसे टाइम बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. जो प्लैनेट अगर डिस्टेंस उसका बढ़ते जाएगा, सन से दूर होते जाएगा, तो उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कितना टाइम लगता है, जैसे अर्थ के लिए 365 डेज लगते हैं, जितने दूर प्लैनेट्स होते हैं उतना ज्यादा टाइम लगता है. तो वो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वो टाइम बढ़ते जाएगा. सो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. द आंसर हियर इज क्यूब. ये देखिए, जैसे ये सन है, तो प्लैनेट्स जैसे मर्क्यूरी सबसे नजदीक प्लैनेट है सन के, तो इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. जितना दूर प्लैनेट होगा, वीनस टेक्स 225, अर्थ कम्स थर्ड 365 डेज, मार्स और दूर है तो उसको और ज्यादा टाइम लगता है. तो ऐसे ही प्लैनेट्स का टाइम बढ़ते जाता है. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यू कैन सी नेपच्यून टेक्स 165 years, Earth years to complete one revolution around the sun. तो ये जो है, ये जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा उतना टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बढ़ते जाएगा. मतलब टाइम पीरियड कैसे है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. जितना डिस्टेंस है उसको क्यूब करेंगे और टाइम को स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का कॉन्स्टेंट रिलेशन आएगा, मतलब उतना टाइम बढ़ेगा. सो दिस इज केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे. तो इन्होंने ये सारे लॉ स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्यूब क्यों ले रहे हैं, केपलर ने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करके देखा कि ये ऐसा ही होता है. तो
उन्होंने इसके प्रूफ्स नहीं दिए कि ऐसा क्यों होता, उनको नहीं पता. ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट. ही मेड ऑब्जर्वेशंस थ्रू द टेलीस्कोप एंड ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, जो ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस किए भी गए थे, उन्होंने खुद ने भी नहीं किया था, जो ऑब्जर्वेशंस किए गए थे सारा उनके पास जो रिकॉर्ड्स थे उनके बेसिस पे इन्होंने ये सारे लॉज बनाए हैं. ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट लॉ है कि ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस. ये इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हमने बात की. सन के पास होता है तो ऐसे ज्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता है, 6 महीने में यहाँ से यहाँ तक प्लैनेट पहुंच जाएगा, पर दूर होगा तो कम डिस्टेंस कवर होगा. लेकिन ये एरिया जो है, ये एरिया जो सेक्टर बनता है ना, सर्कल का एक हिस्सा, इसको सेक्टर कहते हैं. तो ये जितना एरिया है, बल्कि ये सर्कल नहीं एलिप्स है, तो ये सेक्टर की तरह भी नहीं है, सेंटर से सेक्टर बनता है. दिस इज एन एलिप्स फ्रॉम द फोकस. तो दिस दो, ये जो दो एरियाज है ये इक्वल हो गए, है ना, शेडेड रीजन ये है. तो दिस इज केपलर सेकेंड लॉ. एंड थर्ड लॉ अभी हमने देखा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. सो दैट इज केपलर्स लॉज. सेवेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर. सो द फोर ऑप्शंस आर ए इंटरमोलिकुलर फोर्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स and D, nuclear force. And your 10 seconds start now. And the correct answer here is C, gravitational force. So gravitational force is much weaker than other forces. Intermolecular force, molecules ke beech mein, nuclear force, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है. सो इट्स अ वेरी वीक फोर्स. देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, उनके बारे में भी हम देखेंगे. ये देखिए, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंडिंग द न्यूक्लियस, है ना. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंडिंग एटम्स इज स्ट्रॉन्ग, है ना. देन ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक बाइंडिंग इन द सोलर सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज अ वीक फोर्स. The radioactive decay is also a weak force, but the weakest is gravitational force. See there. So these are the four fundamental forces in nature. Strong nuclear interaction, electromagnetic force comes second, weak nuclear interactions comes third, and gravitational force is very weak. It's the weakest force. And in the four fundamental forces in nature. So you should know gravitational force is a weak force. जैसे हमने पढ़ा भी है कि टू ऑब्जेक्ट्स कैप नेक्स्ट टू ईच अदर आल्सो हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, बट उसका इफेक्ट कुछ नहीं दिखता बिकॉज इट्स अ वेरी वीक फोर्स. देन द एथ क्वेश्चन इज डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू नीड? ए फोर्स, बी इनर्शिया, C, momentum, D, motion. And your time starts now. And the correct answer here is A, force. So force is necessary. If you want to change the speed, you have to increase the force. If you want to change the direction of motion, an object is moving in one direction, उसको आपको दूसरे direction में जाना है, तो आपको एक force लगाना पड़ेगा दूसरे direction में push करने के लिए. क्या कोई भी direction हो, तो it's force which is necessary. The answer here is A, force. Force can change the speed. More force, more speed. Less force, less speed. And force can change like a ball coming towards a hitter in this game. So here you can see this is baseball actually. तो यहाँ पे what is being done is the ball is being hit in another direction. So change the direction of motion or change the speed, you need force. Ninth question. Newton invented a new branch of mathematics called dash. And the four options are A, trigonometry, B, calculus, C, geometry, and D, statistics. And your 10 seconds start now. The correct answer here is B, calculus. So this is a new branch of mathematics invented by Newton. थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी है कि न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट किया के
लीबनिट्स ने, लीबनिट्स ने एक्चुअली इंटीग्रेशन स्टार्ट ऑफ किया था, ये दे बोथ वर्क इंडिपेंडेंटली और दोनों कैलकुलस की तरफ पहुंचे. तो न्यूटन लीबनिट्स स्टार्टेड विद इंटीग्रेशन एंड देन ही अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन एंड देन केम टू द आइडिया ऑफ कैलकुलस. न्यूटन स्टार्टेड विद डिफरेंशिएशन, ही अंडरस्टूड डिफरेंशिएशन देन इंटीग्रेशन एंड बोथ ऑफ देम दे वर्क टुवर्ड्स दिस न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कैलकुलस. लीबनिट्स इज वन हाउएवर हू गेव द नेम, बट न्यूटन इज गिवन द क्रेडिट जनरली. सो इट्स अ कंट्रोवर्सी, बट इन अ क्वेश्चन यू कैन एटलीस्ट से न्यूटन. We don't have Leibniz as an option, so Newton is called father of calculus. And the last question in this part one series is, the first scientist to construct a reflecting telescope was dash. And the four options are A. Kepler, B. Galileo, C. Copernicus, and D. Newton. And your 10 seconds start now. And the correct answer here is D. Newton. We wish you all the very best in all your endeavors. So that is it from us for now. Thank you.